पहले सर वेलकम टू फिल्म में। थैंक यू। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि फर्स्ट से प्यार फर्स्ट से फरार ऐसा टाइटल क्यों सोचा आपने? आपको कैसे लगी? मुझे तो बहुत पसंद आई। फर्स्ट से प्यार करके फर्स्ट से फरार होने में बहुत मजा आता है, तो लेकिन आपने क्यों ये टाइटल सोचा इसके बारे में जानना? एक तो कहानी की डिमांड थी, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी टाइटल ऐसा रखने से। यूथ हैं और काफ़ी लोगों को ये चीज़ें रेगुलर टाइटल नहीं है, और फिल्म भी रेगुलर नहीं है कि हर दूसरी फिल्म ऐसी बनती है, तो टाइटल भी बहुत ज़रूरी था इस तरीके से रखना। नहीं तो काफ़ी कुछ चीज़ें लोगों को टाइटल से फ़र्क पड़ता है, लोग सोचते हैं यार पता नहीं कैसी पिक्चर होगी, तो एक लाइन में कहानी भी काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती है। प्यार और फरार के साथ साथ इसमें दूसरी चीज़ें भी हैं कि प्यार फरार होने के बाद जो फैमिली है, जो समाज है, जो बैकग्राउंड है, वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, तो फिल्म में ये भी मुद्दा है। जब आपने इस फिल्म की कास्टिंग की होगी तो भावेश भी दिमाग में कैसे आए? भावेश दिमाग में नहीं आए थे, एक एक्टर चाहिए था मुझे सोनू। अच्छा। जो एथलीट हो और अच्छी हाइट हो, गुड लुकिंग हो, और साथ में एक करेक्टर को भी कर ले, तो इस इनके लिए ढूंढने में बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि बाकी कास्टिंग तो जिसके पास मैंने एक बार में स्क्रिप्ट भेजी है, चाहे जिमी सर हों, प्रमोद सर हों, संजय मिश्रा हों, गिरीश कुलकर्णी हो, जाके जिसके पास एक बार स्क्रिप्ट गई है उनके दूसरे एक्टर के पास नहीं गई, वहीं फर्स्ट टाइम में ओके हुआ है। और जो बजट, क्योंकि बजट बहुत ज़्यादा था नहीं हमारे पास फिल्म मेकिंग के लिए, तो सब लोग एग्री थे, लड़का कौन होगा, लड़की कौन होगी, उस पर बहुत डिफिकल्ट था। तो काफ़ी कुछ ऑडिशन यूपी में, बिहार में, बंगाल में, पंजाब में करने के बाद 335-36 बच्चों का लिस्ट था पूरा जुड़े था, तो कोई लड़का एथलीट मिलता था तो पता चला उसकी हाइट पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, फिर वो चीज़ें नहीं है, फिर परफॉर्मेंस नहीं है, तो कंप्लीट जो मिले भावेश, एक मेरे दोस्त हैं उन्होंने मुझे बताया कि रोहतक में, हरियाणा में रोहतक में एक ग्राउंड है जहाँ काफ़ी लड़के प्रैक्टिस भी करते हैं, और बगल में FDI का ब्रांच है, तो कुछ लड़के वहाँ परफॉर्मेंस एक्टिंग वक्टिंग से रिलेटेड जाकर के सीखते भी हैं। तो उस तरीके से फिर मैं गया तो भावेश से मिला, तो भावेश ने पहले तो बोला नहीं सर ऐसे कैसे कर सकता है, कोई मुंबई से आया हुआ इस तरीके से ऐसे, तो मैंने उनको कन्विंस किया, स्क्रिप्ट दिया, स्क्रिप्ट देने के बाद से इन्होंने पढ़ा, 24 घंटे लिए, फिर मैं इनको मुझे ये जानने की कोशिश कर रहे थे, मैं इनको जानने की कोशिश कर रहा था, जिसमें 1-2 दिन लगे, फिर उसके बाद से मैं बोला आपको एक्टिंग नहीं करना है, एक करेक्टर है ये प्ले करना है, बाकी चीज़ें तो आपको आती है। तो फिल्म में सबने एक्टिंग नहीं किया, मेरी फिल्म में किसी ने एक्टिंग नहीं किया, सबने अपने अपने करेक्टर को पर्दे पे उतारा, तो उसमें इनको बहुत अच्छा रहा। बाकी मेरे को ये डर था कि सामने जब को एक्टर आएंगे, जिमी आएंगे, प्रमोद आएंगे, तब इनका परफॉर्मेंस कैसा होगा, तो मेरे लिए पहले टेक में क्लियर हो गया था बॉस की आपको सोचने की जरूरत नहीं, आपको फिल्म टाइम पर बहुत अच्छी बनेगी, इन्होंने इतना कॉन्फिडेंस के साथ काम किया था। भी आपको कुछ बोल दूँ, क्योंकि आपको अपने ट्रेलर देखा होगा, आप फिल्म भी देखेंगे तो चीज़ें दिखाई देंगी आपको। भविष्य मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब भी आपको इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया था तो क्या सोचकर आपने इस फिल्म के लिए हाँ बोली, और किस तरीके से प्रिपरेशन की अपने कैरेक्टर को लेकर? स्टार्टिंग में तो मुझे यकीन नहीं हुआ था कि मुझे इस फिल्म के लिए सिलेक्ट कर भी लिया हूँ, मुझे, क्योंकि इस फिल्म में जैसे कि आपने देखी कास्टिंग में काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड एक्टर हैं, तो उनके साथ काम करने के लिए तो मुझे काफ़ी प्रिपेयर होना पड़ा, और स्क्रिप्ट मुझे काफ़ी बार पढ़नी पड़ी, एक एक सीन मैं 10-10 बार पढ़ता था, और उसे समझता था कि एक सोनू का लड़का, सोनू लड़का कैसा होगा वो, क्योंकि रियल लाइफ में मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो काफ़ी प्रिपेरेशन की मैंने, और मनोज सर ने भी काफ़ी हेल्प किया उस कैरेक्टर को समझने में, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। कहानी जो है बहुत सेंसिटिव कहानी है, और ये कहानी अभी हर फैमिली की हो गई है, ये कहानी अभी हर फैमिली की हो गई है, आप रोज न्यूज़पेपर में और टीवी में देखती होंगी कि वो लड़का लड़की वहाँ चले गए या भाग गए या उस तरीके से ऐसा है, फैमिली और समाज इस तरीके से अगेंस्ट हो गया है। तो ये पहले अपने प्यार का परसेंटेज बहुत कम होता था, अरेंज मैरिज होती थी, क्योंकि लड़का हिम्मत जुटाने में लड़की को बोलने के लिए बहुत टाइम ले लेता था, उस तक अपना लेटर पहुंचाने में, तब तक उसकी शादी हो जाती थी, लड़की किसी और की हो जाती थी। अभी ये सोशल मीडिया होने की वजह से इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इस पर दोस्ती बहुत जल्दी होती है, और इसमें प्यार का इजहार बहुत जल्दी कर लेते हैं लोग, लेकिन जब बात फैमिली तक पहुँचती है तो वो सोच अभी भी है उनकी सोच नहीं बदली है, तो हम जब इतना आगे बढ़ रहे हैं तो अपनी सोच को भी बदलने की जरूरत है।
क्योंकि आप जब सोच बदलेगी कि आप भी उस एज में कभी रहे होंगे, आप अपने आप को 20 साल 25 साल पीछे ले जाएंगे, तो आपका भी किसी ना किसी लड़की के प्रति आकर्षण हुआ होगा या लड़की के प्रति हुआ होगा। तो सोचिए आपके साथ क्या गुजरा होगा, आपके मदर फादर कैसे रिएक्ट किए। तो जब आप सोच बदलेंगे बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो दूसरी चीज़ एक और है कि सबसे पहले कोई लड़की या लड़का प्यार करता है तो फैमिली वाले ये पूछते हैं कि लड़की का नाम क्या है, वो करता क्या है, किस सरनेम क्या है। आप कभी ये नहीं पूछते कि वो लड़का कितना ब्रिलियंट है, उसकी सोच क्या है। स्पोर्ट्समैन है तो नेशनल के लिए खेलता होगा तो यार देश के लिए गर्व की बात है, या साइंटिस्ट है तो क्या है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये इस लेवल की उसकी सोच है। उसकी सोच तो सोचो, वो कम लड़का होगा तो प्यार कर ही नहीं पाएगा, प्यार करने के लिए भी गट्स चाहिए होता है। तो अधिकांश ऐसे बच्चे लड़की या लड़कियों के साथ समाज जो है अगेंस्ट हो जाता है, ये दुखद है हमारे लिए। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि कब आपने सोचा कि आपको इस तरीके के प्रोजेक्ट पे काम करना है, और ये आइडिया कब कैसे दिमाग में। एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें उसमें था कि 2014 से 796% जो है एवरी ईयर इंक्रीज हो रहे हैं ऑनर के लिए। फिर उसमें घुसता गया, काम करते गया, करते गया, देखा, रिसर्च किया, राइटर से मिला, विशाल विजय कुमार, वो भी काफ़ी रिसर्च करते हैं, वो बैठे और ये मुद्दा हुआ कि ये चीज़ें बहुत आगे बढ़ती जाएंगी। और आप इस सिनेमा से जुड़े हुए हैं तो आपका योगदान क्या है, कल आप रिटायर्ड होंगे सिनेमा से, आपकी एज हो जाएगी, आपके बच्चे आएंगे, आपकी फिल्में देखेंगे जो डिजिटल होगी, मेरे फादर ने क्या फिल्म बनाई है, आपका योगदान सिनेमा के लिए क्या है। तो कुछ ऐसी फिल्में आप बना करके जाइए जो हमेशा के लिए याद किया जाए, और आपकी वजह से कुछ समाज में चेंज आता है, ये आपकी जीत है। सर, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या किसी प्रोजेक्ट को चुनते हैं तो क्या ऐसी चीज़ है जो आपको मजबूर करती है कि नहीं मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करना है और बनाना है। मेरी पहली फिल्म थी, सुभाष जी ने प्रोड्यूस किया था, मुक्ता आर्ट्स में 35 साल में उनका कोई असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं बना, तो मैं पहला आदमी हूँ जो डायरेक्टर बना। कुछ चीज़ें होंगी तभी उन्होंने ये किया होगा। उस वो भी मेरी फिल्म थी, उसमें भी था कि लड़कियों के मुद्दे के ऊपर बनाया था कि लड़कियां अपने घर से निकल के किसी ऑफिस में काम करने जाती हैं, यदि बॉस करेक्ट नहीं मिलता है तो किस तरीके से उनको सफ़र करना पड़ता है। दूसरी फिल्म मैंने बनाई थी ग्लोबल बाबा, उसमें मैं लेकर के आया था बाबाओं के चक्कर में, अंधविश्वास में कैसे लोग आम आदमी फंसते जाते हैं। तीसरी फिल्म मेरी डायरेक्शन की है, बीच में मैंने घायल वंस अगेन की थी जिसमें मैं क्रिएटिव डायरेक्टर था सरिंडोल जी के साथ। ये मेरी जो फिल्म है इसमें अगेन मुझे कहना था कि कोई ऐसी फिल्म नहीं बनाना है कि समाज में जो आज के डेट में सबसे ज़्यादा हो रहा है उस मुद्दे को कैसे बोले। तो इस मुद्दे पे बहुत सारी फिल्में बनी हैं, खाप के ऊपर और सराट भी बनी है, धड़क भी बनी है, लेकिन आपकी फिल्म अलग क्यों होगी, क्यों देखने आएंगे। बहुत सारी जो मुद्दे हैं लोगों को जिन्होंने टच नहीं किया वो इसमें आपको दिखाई देगी इस फिल्म। क्या लगता है बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म धमाल मचा सकती है आपकी? इसमें धमाल कितना मचाएगी मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये है कि जो ऑडियंस एक बार आ जाएगी वो फिल्म में जहन में लेकर के जाएगी और निकल के बाहर जाकर के जरूर आप जैसे दोस्तों को फॉरवर्ड करेगी मैसेज कि एक बार फिल्म जरूर देखना, और वही हमारी जीत है जी। जाते जाते ऑडियंस के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? तो यही बोलूंगा कि 18 अक्टूबर को सिनेमा हॉल में आइए, आपके नज़दीकी सिनेमा हॉल में जा लगी और देखिए, और एक बार जरूर आप अपने साथ कुछ लेकर के जाएंगे। और थैंक यू सो मच, प्लीज वॉच दिस मूवी। मैं भी सेम ही बात कहना चाहूँगा, बस मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि नए एक्टरों को मौका दीजिए, प्लीज़ एक चांस दे के दीजिए, और अगर फिल्म अच्छी लगे तो तालियां बजाइए, नहीं तो बताइए हमारी क्या कमी थी, हम नेक्स्ट फिल्म में ज़रूर उसकी सुधार करेंगे उसका। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।